हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है टेस्टेस। और इस टेस्टेस को समझाने के लिए ना मैंने तुम्हें क्या करा, इस पूरी वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये अपनी पार्ट वन वीडियो है जिसके अंदर अपन पूरा टेस्टेस के जो है एक्सटर्नल फीचर जानेंगे। देन अपन इसकी पार्ट टू वीडियो में जो है अपन देखेंगे इसकी कवरिंग। और यार टेस्टेस की जो कवरिंग होती है ना उस पर अलग से यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, तो आप वो मेरी पार्ट टू वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले अगर अपन इसका बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके एक्सटर्नल फीचर देखने से पहले, तो अपन को पता है जो टेस्टिस जो है वो सबसे पहले अपना मेल गोनेट है जो कि अपना स्क्रोटम सैक में रहता है, अपने बॉडी के बाहर स्क्रोटम सैक में अपना टेस्टिस रहता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि स्क्रोटम सैक में भी अपना टेस्टिस किस तरीके से रहता है। अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं तो आपको दिखेगा ये जो है अपना अपन टेस्टिस को लेटरल व्यू में देख रहे हैं, लेटरल साइड में। तो स्क्रोटम सैक में टेस्टिस जो है हल्का सा इस तरीके से प्रेजेंट होता है, वो जो है आपका ऐसा स्ट्रेट ना होके वो हल्का सा ओब्लिक होता है। इन सच ए वे किसका जो अपर पार्ट है ना, इसको अपन बोलते हैं अपर पोल। जो अपर पोल है ना वो अपना होता है फॉरवर्ड और लेटरली। तो कुछ इस तरीके से जो है अपना ये रहता है टेस्टिस स्क्रोटम सैक में, वो अपना लाय करता है ओब्लिकली सो दैट द अपर पोल इज फॉरवर्ड और लेटरली। उसके अलावा जो अपनी लेफ्ट टेस्टिस जो होती है इज स्लाइटली लोअर देन द राइट टेस्टिस। मतलब कि जो स्क्रोटम सैक है, मान लो ये दोनों हाथ में टेस्टिस हैं, तो स्क्रोटम सैक में दोनों टेस्टिस हैं, तो जो लेफ्ट टेस्टिस होती है ना वो आपकी स्लाइटली लोअर होती है, राइट टेस्टिस अपनी थोड़ी ऊपर होगी स्क्रोटम सैक में, वहीं लेफ्ट टेस्टिस अपनी स्लाइटली लोअर रहती है। तो अपन ने जो है इसका पूरा बेसिक डेफिनेशन देख लिया कि जो टेस्टिस है वो अपना मेल गोनेट होता है जो कि सस्पेंडेड होता है इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम में दोनों सस्पेंडेड होंगी बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड। उसके अलावा स्क्रोटम सैक में भी ये अपनी ओब्लिक होती है और लेफ्ट टेस्टिस जो है वो स्लाइटली लोअर होती है देन राइट टेस्टिस से। देन अपन देखें इसका शेप एंड साइज। तो सबसे पहले ये याद अच्छे से कर लेना कि अपनी ओवल इन शेप होती है। उसके अलावा ये जो है 3.7 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी और 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है और 1.8 सेंटीमीटर जो है इसकी टोटल आपकी थिकनेस होती है। वहीं अपन इसका वेट देखें तो वेट जो है वो 10 से 25 ग्राम का कुछ इसका वेट होता है। देन अब अपन इसके मेन पार्ट में आते हैं, इसका जो एनाटमी वाला पार्ट होता है ना तो अपन वो अब देखते हैं, इसके एक्सटर्नल फीचर्स। तो अगर आपको मैं ये वाले डायग्राम से पहले दिखाऊँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जो टेस्टिस है ना उसके कुल मिला के आपके रहते हैं दो पोल्स, पोल्स मतलब एंड। तो एक इसका होगा अपर एंड, उसको बोलेंगे अपन अपर पोल। देन एक नीचे की साइड रहेगा उसे अपन बोलेंगे लोअर पोल। देन फिर इसके अंदर रहती है अपनी दो बॉर्डर्स, याद रखना एक जो इंटीरियर में जो दिख रही है ना ये वाली बॉर्डर उसको अपन बोलेंगे इंटीरियर बॉर्डर, और एक पीछे की तरफ भी बॉर्डर रहेगी उसे बोलेंगे अपन पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इसकी दो पोल हैं अपर एंड लोअर पोल, दो बॉर्डर्स हैं एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर। देन इसके अंदर जो है दो सरफेसेस भी होती हैं, एक मीडियल और एक लेटरल सरफेस। और ये सरफेसेस दिखाने के लिए ना मुझे तुम्हें 3D मॉडल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस 2D मॉडल से क्या होगा तो मैं इसकी सारी सरफेसेस जो है वो अच्छे से इमेजिन नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको क्या इसका 3D मॉडल दिखा देता हूँ, तो आपको क्लियरली दिखेगा ये क्या है, ये है अपना पूरा टेस्टिस। अब इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे पैनल को हाइड कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। और ज़्यादा ना टेस्टिस इतना कुछ खास टेक्निकल ये होता नहीं, अपन आराम से पूरे इसके एक्सटर्नल फीचर देख लेंगे। तो ये अपन देख रहे हैं ये है अपना टेस्टिस, ठीक है। देन ये वाला जो साइड है ना ये है अपना मीडियल साइड, ये है अपना लेटरल साइड। तो जो है अपना टेस्टिस कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहता है कि इसकी दो सरफेसेस होती हैं, एक लेटरल सरफेस पूरी ये वाली, देन एक इसकी मीडियल सरफेस। मैं आपको क्या स्क्रोटम भी पूरा हटाता हूँ तो अब आपको पूरा टेस्टिस अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसकी जो ये वाली सरफेस है ना ये है इसकी मीडियल सरफेस और ये है इसकी पूरी लेटरल सरफेस। अब अपन क्या करते हैं इसको मीडियल सेक्शन में और देखते हैं, तो अब आपको और क्लियर में दिखेगा। तो ये बगल में डायग्राम भी है, तो ये है इसका अपर पोल, ये है इसका लोअर पोल, ये है इसके इंटीरियर बॉर्डर, ये है इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर। और टेस्टिस के अगर आप देखो अपर पोल पे क्या जुड़ा है, अपना जुड़ा है एपिडाइडमिस,
उसके अलावा तुम्हें 3D मॉडल में भी दिख रहा होगा कि टेस्टिस अपनी स्लाइट सी ओब्लिक होती है स्क्रॉटम में। तो ये पूरा मैंने जो है आपको टेस्टिस दिखा दिया। देन अब अपन क्या करते हैं, इसके जो एक्सटर्नल फीचर है ना उसको और फर्दर डिटेल में देखते हैं। तो यार अगर तुम यहाँ पे देखो ना, अपन को सिर्फ एक्सटर्नल फीचर में इसके सिर्फ स्पेसिफिक फीचर याद करने हैं कि अपर एंड लोअर पोल होते कैसे हैं। तो ये जो अपर एंड लोअर पोल जो है ना, वो अपने सबसे पहले होते हैं कॉन्वेक्स एंड स्मूथ। ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये कैसे हैं, ये है अपने कॉन्वेक्स और अपने स्मूथ भी हैं। उसके अलावा अब अपन आए बॉर्डर पे। तो जो इंटीरियर बॉर्डर है ना यार, वो तुम्हें पूरा डायग्राम में दिख रहा होगा वो कैसा है, वो है अपना कॉन्वेक्स एंड स्मूथ। और यार तुम उसको ना याद मत करो एक्सटर्नल फीचर, तुम सिर्फ समझो, तुम याद मत करो कौन सा कॉन्वेक्स है कि कौन सा कॉनकेव है, तुम देखो ना रट क्यों रहे हो कि जो इंटीरियर बॉर्डर है वो कैसी है, वो अपनी दिख ही रही है कॉन्वेक्स है। तो आप बस इंटीरियर बॉर्डर लिख के ये लिख देना, इंटीरियर बॉर्डर है अपनी कॉन्वेक्स और स्मूथ। उसके अलावा जो इंटीरियर बॉर्डर है ना, वो फुल्ली कवर है अपनी ट्यूनिका वेजाइनालिस से। अब इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो मैं सिर्फ नाम नाम बता देता हूँ जो टेस्टिस की कवरिंग होती है उनके, क्योंकि इसको डिटेल में अपन पार्ट 2 वीडियो में देखने वाले हैं। तो तुम मेरा ये वाला डायग्राम देखो नीचे वाला, तो तुम्हें अच्छे से दिखेगा। जो पूरी टेस्टिस है ना, उसको सबसे बाहर उसकी जो कवरिंग होती है ना, उसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनालिस। ये दिख रही है ना आपको पूरी, इसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनालिस। तो टेस्टिस की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम है ट्यूनिका वेजाइनालिस। देन ट्यूनिका वेजाइनालिस के बाद जो लाइट ब्राउन से देख रहे हो ना आप, उसका नाम होता है ट्यूनिका अल्बुजीनिया। तो इसकी दूसरी लेयर का नाम होता है ट्यूनिका अल्बुजीनिया। देन इसकी थर्ड लेयर भी होती है जो कि इस डायग्राम में नहीं दिखेगी, तो उसका नाम होता है ट्यूनिका वस्क्यूलोसा। तो कुल मिला के टेस्टिस की 3 कवरिंग होती है। अभी सिर्फ आप नाम नाम याद कर लो कंसेप्ट समझने के लिए। सबसे बाहर वाली ट्यूनिका वेजाइनालिस, देन ट्यूनिका अल्बुजीनिया, उसके भी अंदर एक होती है वो है ट्यूनिका वस्क्यूलोसा। इसको फर्दर डिटेल में देखेंगे इसके सेकेंड पार्ट में। तो क्या होता है, जो इंटीरियर बॉर्डर होती है ना ये वाली, आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो, ये पूरे तरीके से ट्यूनिका वेजाइनालिस से कवर होती है। वहीं अब अपन आ जाए पोस्टीरियर बॉर्डर पे। तो पोस्टीरियर बॉर्डर है ना, वो सबसे पहले अपनी होती है स्ट्रेट। अगर आप इस डायग्राम में भी देखो तो आपको पूरा दिख रहा होगा जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो कैसी है, वो अपनी है स्ट्रेट। वहीं इंटीरियर बॉर्डर कैसी थी, वो थी होती कॉन्वेक्स। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया। उसके अलावा पोस्टीरियर बॉर्डर पे जो है ना, जो ट्यूनिका वेजाइनालिस थी ना, वो पार्शियली कवर है, वहीं इंटीरियर बॉर्डर में फुल्ली कवर थी। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये है इसका पोस्टीरियर बॉर्डर। तो एक्चुअली में होता क्या है, इसके पोस्टीरियर बॉर्डर में अपनी टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिकुलर आर्टरी और इफेंडक्टियोल जो बाहर की साइड जा रहे हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। तो उसके कारण इसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे जो है ट्यूनिका वेजाइनालिस पूरी तरीके से कवर नहीं है, पार्शियली कवर है, वहीं इंटीरियर में ये पूरी तरीके से कवर है। देन अब मैं आपको दिखाऊं इसकी सरफेस के बारे में। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसकी दो सरफेस हैं, एक मीडियल और लेटरल सरफेस। दोनों तुम सिर्फ एक बात याद कर लेना कि दोनों जो हैं वो अपनी कॉन्वेक्स होती हैं और स्मूथ होती हैं। तो इसको क्या, मैं तुम्हें फिर से अगर डायग्राम में दिखाऊं 3D मॉडल में, तो ये है इसकी मीडियल सरफेस और ये लेटरल सरफेस। और ये दोनों कैसी हैं, ये अपने एक तो आपकी सबसे पहले है कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स के बाद स्मूथ भी है, ठीक है, रफ नहीं है। और अपन लास्ट में जो है एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जो अपना जो टेस्टिस है उसके लेटरल साइड में आपको एक साइनस देखने को मिलता है, उसको अपन बोलते हैं साइनस ऑफ एपिडाइडमिस। इसको मैं क्या तुम्हें, मेरे फोन में एक डायग्राम है उससे दिखाता हूँ मैं तुम और डिटेल में। अगर तुम यहाँ पे देखो इसमें, तो तुम्हें क्लियरली दिखेगा ये अपना पूरा टेस्टिस है, इसको अपन लेटरल सेक्शन से देख रहे हैं। तो वहां पे तुम्हें ट्यूनिका वेजाइनालिस में जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना ट्यूनिका वेजाइनालिस, उसमें तुम्हें एक हल्का सा कैविटी दिख रही होगी, उसी का नाम होता है साइनस ऑफ एपिडाइडमिस। अब एक्चुअली में जो साइनस ऑफ एपिडाइडमिस है ना, वो क्या करती है, वो अपने टेस्टिस को एपिडाइडमिस से सेपरेट करने का काम करती है। और यार ये अच्छे से याद कर लेना कि ये होती कहाँ है,
ये आपको सिर्फ लेटरल साइड ऑफ टेस्टिस में ही दिखेगी। मैं इस पे फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, जब आपको डाइसेक्शन में ले जाएंगे डीएच में, तो वो क्या करेंगे, अपनी टेस्टिस आपकी रखी रहेगी, राइट की भी और लेफ्ट की भी। तो अपन उसको उठाते कैसे हैं, अपन उसको एपिडाइडमिस से उठाते हैं। मान लो पूरी टेस्टिस है, तो उसको आप एपिडाइडमिस से ऐसे करके उठाओगे। तो जैसे आप उसको ऊपर की साइड उठा लेते हो ना, तो फिर आपको देखना रहता है कि राइट साइड की है कि लेफ्ट साइड की है। तो अपन इसी साइनस से देखते हैं, मैं तो मेनली क्या इसी साइनस से ही देखता हूँ। तो मुझे पता है साइनस जो है लेटरल साइड में प्रेजेंट है। तो अब तुम मान लो ये जो पूरा पैन है ना, ये पूरा पैन मेरा है वासा डिफरेंशिया, और एक कैप है मेरा टेस्टिस, और ये जो इसका ये वाला पार्ट है ना, ये है इसका साइनस। सिमिलरली मैं दूसरा पैन एक लूंगा, ग्रीन पैन। अब तुम मानो ये है मेरी बॉडी, ठीक है ना, ये पूरी मैंने मेरी मान ली बॉडी। देन मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे टेस्टिस को ऐसे उठाऊंगा मेरे वासा डिफरेंशिया से कुछ इस तरीके से, और मान लो मेरा साइनस जो है अभी राइट में आ रहा है, तो ये हो गई मेरी राइट टेस्टिस। सिमिलरली मैं साइड में भी उठाऊं ये इस तरीके से, ये है मेरी लेफ्ट टेस्टिस, बीच में है मेरी बॉडी है, ठीक है ना। अब मैंने इसको क्या, इसको राइट क्यों बोला, क्योंकि मेरा साइनस है ना, ये मेरा आ रहा है लेटरल में, क्योंकि मीडियल में तो अपनी बॉडी होगी, तो ये वाली साइड मेरी हुई लेटरल, और लेटरल में ही मेरा आ रहा है साइनस, तो इसलिए ये वाला मेरी हुई राइट की टेस्टिस, और ये वाली मेरी हुई लेफ्ट की टेस्टिस, क्योंकि मेरा इस समय साइनस जो है वो आ रहा है लेफ्ट में। तो आपको सिर्फ साइनस को देख के ही पता करना है कि राइट की है कि लेफ्ट की है। और तुम क्या, अभी तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा हो, तो जब तुम्हें डीएस में वो उठा के बताएंगे ना, तब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। भी आप क्या ये याद कर लो कि ये साइनस है वो अपना प्रेजेंट रहता है लेटरल साइड में, और इसी के कारण आप डीएस में बता पाओगे कि वो राइट की है कि वो लेफ्ट की किडनी है। अभी आप ये थ्योरी में याद कर लो। देन यहाँ पे जो है यही लिखा है कि मीडियल सरफेस ऑफ एपिडाइडमिस इज सेपरेटेड फ्रॉम टेस्टिस बाय एन एक्सटेंशन ऑफ ट्यूनिका मीडिया, दिस इज कॉल्ड साइनस ऑफ एपिडाइडमिस। तो मतलब कि ट्यूनिका वेजाइनालिस है ना, उसी की कैविटी का एक्सटेंशन को अपन बोलते हैं साइनस ऑफ एपिडाइडमिस, जो कि अपना सेपरेट करती है टेस्टिस को मीडियल स्टेनम, टेस्टिस को एपिडाइडमिस की मीडियल सरफेस में। अब तुम इससे कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली में मैं तुम्हें डायग्राम में फिर से दिखाता हूँ। एक्चुअली तुम बोलोगे सर यहाँ तो मीडियल सरफेस लिखा है, और आप बोल रहे हो कि साइनस जो है लेटरल में प्रेजेंट रहता है, तो तुम देखो ना यहाँ लिखा है मीडियल सरफेस ऑफ एपिडाइडमिस। अगर तुम्हें यह भी दिखाऊं मैं डायग्राम, तो ये साइनस जो है लेटरल में प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एपिडाइडमिस की पूरी मीडियल सरफेस को टेस्टिस से सेपरेट करवाने का काम करवा रहा है। तो इस पॉइंट से मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हें और स्ट्रेस लगा के पूरी बात बता दिया। देन अब जो है आपको पूरा टेस्टिस अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके सारे एक्सटर्नल फीचर, और मेरे इस नोट का स्क्रीनशॉट मैं आपको पार्ट टू वीडियो में दे दूंगा। तो आप मेरी पार्ट टू वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, वो अपन को देखना ही है, और मैं उसमें यह भी बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी में इसको किस तरीके से अपन को टेस्टिस को लिख के आना है। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो, तो मेरी इस वीडियो करो तुम लाइक, और पार्ट टू वीडियो का लिंक बिल्कुल आई बटन में ही है, तो फटाक से मेरी तुम पार्ट टू वीडियो पे बजाओ।